हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। और इससे पहले जो है हमने पीडब्ल्यूडी के लिए बात करी, हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए बात करी, पीसीएल के लिए बात करी, जल शक्ति विभाग के लिए बात करी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमुडा के लिए। तो अगर हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के इस टाइम पे वैकेंसी की बात करें जो कि टेस्ट के माध्यम से फिल होती है, तो एई इलेक्ट्रिकल की एक पोस्ट वेकेंट है और जेई इलेक्ट्रिकल की दो पोस्टें वेकेंट है। ये जो एई इलेक्ट्रिकल की एक पोस्ट वेकेंट है, ये नवंबर 2023 की ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुकी है, जिसका सिलेबस आपको पीएससी शिमला की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। और ये पहला एग्ज़ाम होगा जिसमें कि पेपर वन और पेपर टू आपको देखने को मिलेगा असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, तो दो पोस्टें जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वेकेंट है और इनकी रिकोजिशन जो है तो राज्य चयन आयोग को जाएगी और इलेक्शन जब हो जाएंगे लोकसभा के, उसके बाद ही आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो पीसीएल, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इसके अलावा आपको जो है वो हिमुडा की, और हो सकता है कि आपको टीसीएल की भी वैकेंसी देखने को मिल जाए। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो इलेक्ट्रिकल के लिए आने वाली है। असिस्टेंट इंजीनियर में कम चांस है अब, लेकिन जूनियर इंजीनियर की अच्छी खासी वैकेंसी आपको दोबारा से देखने को मिल जाएगी। और ये आपने एचपीआरसी के टेंडर में भी देखा है, वहाँ पे स्पेशली मेंशन है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, तो आपको वैकेंसी देखने को ज़रूर मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।